करनी सी बेवफाए अक कानू सजना लाए एक बेवफा नु अज तक आ तयो याद तेरी आए। तो सर्दी में जब डिश वॉशिंग करते हो के हाथ तो अकड़ जाते होंगे। जी जाहिर सी बात है, वो पानी की वजह से तो काम भी तो करना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। क्या करते हो आप? मैं वेटर। इससे पहले क्या करते थे? डिश वॉशिंग करते थे। सर्दी में जब डिश वॉशिंग करते हो कि हाथ तो अकड़ जाते हो। जी जाहिर सी बात है, वो पानी की वजह से तो काम भी तो करना है, तो मेहनत भी है साथ साथ। तो यानी घर वालों के लिए दो वक्त की रोटी कमाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जी बिल्कुल, ऐसे बहुत कुछ करना पड़ता है। ना कुछ करना चाहे तो घर बैठ के भी खा सकते हैं, लेकिन वो हक़ लाल में नहीं आ रहा। क्या आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, क्या सुना रहे हो आज हमें? मैं ज़्यादातर लाइक तो करता हूँ मिस्टर नवीन को, जो सुरक्षेत्र से जीत के आए हैं। उनके ड्रामे के टाइटल सॉन्ग मुझे बड़े पसंद है। और वैसे मैं गाना आपको सुनाना चाहूँगा इमरान अली का, करनी सी बेवफाई। करनी सी बेवफाए अक कानू सजना लाए एक बेवफा नु अज तक आ तयो याद तेरी आए। मेरी जिंदगी नु दर्दा दिखेड क्यों लगाए एक बेवफा नु अज तक आ तयो याद तेरी आए। एक बेवफा नु अज तक आ तयो याद तेरी आए। यार आपके गाने में तो मैं डूब गया था। नाजरीन, ये मेरे साथ खड़ा है एक वेटर। हमारा काम है कि अपने माशरे के ऐसे टैलेंट को ऊपर लेके जाया जाए, इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोग इसको अपने फंक्शंस में मधु करें, इसकी मेहनत पर, इसके टैलेंट पर, इसकी आवाज़ पर इसको अच्छे पैसे दिए जाएं। और इसको सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, हमारे माशरे की जिम्मेदारी है। और कौन सा गाना सुनाओगे हमें? मैं सोनू निगम का सुनाना चाहूंगा। सुनाओ जरा। दिल को सुकून जाने क्यों नहीं है, होते हुए सब पार कुछ कमी है, ख्वाहिश है अधूरी, चाहतों से अधूरी, क्या कहे इश्क से हम गिला, और रब्बा कोई रास्ता बता दे, इतनी तो ना सजा दे, बेचैनियां मिटा दे ना रुला। जी नाजरीन, ये हमारे पाकिस्तान का एक रेस्टोरेंट का वेटर था जिसको अल्लाह ने बहुत प्यारी आवाज दी है और कमाल का गाते हैं, और जब गाते हैं तो सुनने वाले उसमें डूब जाते हैं। मैं चाहूंगा कि ये लड़का बहुत तरक्की करे और इस तरक्की में हम इसके साथ शामिल हो जाएं। और उसका तरीका ये है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वीडियो वायरल होगी तो इंशाल्लाह इनकी सुनी जाएगी और इनको फिर बड़ी बड़ी जगहों से ऑफर्स भी आएंगी। तब तक के लिए अपने मेजबान हारिस खोखर को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।